नमस्कार, बिहार न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं सुमन राज। किशनगंज में सदर प्रखंड के दौला पंचायत के वार्ड संख्या 14 में रहने वाले 200 महादलित परिवार के लोगों को बीते 3 महीने से बिजली नहीं मिल पा रहा। महादलित परिवार के लोगों को वार्ड संख्या 15 के ग्रामीणों के द्वारा ट्रांसफार्मर से बिजली का उपयोग पर रोक लगा दिया गया है। यहाँ बीते 7 से 8 वर्षों से सड़क के किनारे करीब 500 महादलित परिवार रहते हैं, जिन्हें किसी भी योजनाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। मामला है 14 नंबर का ट्रांसफार्मर उठाने के लिए, 15 नंबर का मैंने कि पूरे सुरजापुरी मिल करके। अच्छा, तो हम लोग बोले जी हम लोग पैसा दे करके नीतीश के तरफ से लाए, मास्टर मुजाहिद आलम के साहब को विधायक के तरफ से मिला है महादलित को। ये ट्रांसफार्मर हम लोग नहीं दे पाएंगे। ये ट्रांसफार्मर नहीं देने की वजह से सर ये कारण क्या किया, पूरे सुरजापुरी मिल करके हम लोग को लाइट कटवा दिया। और लाइट कटवाने का 3 माह हो चुका है। सांप चियार बाल बच्चा को क्या क्या बीत रहा है, कितने मुसीबत में झेल रहे हैं, मगर कोई गरीब को मदद नहीं आए। सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को मेरी तरफ से धन्यवाद कि आप लोग समय निकाल करके इस महादलित टोला में आए, इन लोग का स्थिति देखे और जायजा भी लिए कि यहाँ पर विगत 3 महीने से लाइट की समस्या है। इतनी बड़ी भीषण गर्मी में यहाँ जो गरीब परिवार महादलित है और आदिवासी है कैसे जीवन यापन किए, यही उसका दिल ही जानता है। बिल्कुल सही बात है। क्या कारण? ये लोग का जो है जब विधानसभा का चुनाव हो रहा था उस वक्त इसको बिजली मास्टर मुजाहिद साहब ने जब महानंद में कटाव विस्थापित होने के कारण रोड पर बैठे हुए प्रधानमंत्री के साइड दोनों साइड में बैठे हुए हैं आदिवासी लोग हैं और कुछ महादलित परिवार हैं। लगभग 200 घर है और जनसंख्या लगभग 500 होगा। विगत 10 वर्ष से बैठे हुए हैं, बारी बारी से काटा, बारी बारी से आके रोड पे बस इनको बिजली नहीं, घर नहीं, और बिजली उस वक्त दिया गया था उसको और अच्छी तरह से रहता है कुछ दिन पहले 1-2 महीना। कटिहार जिले के प्राणपुर प्रखंड क्षेत्र के मैना नगर कोठी पर राष्ट्रीय जनता दल के युवा जिलाध्यक्ष सह निर्वाचन पदाधिकारी राजेश कुमार यादव और उप निर्वाचन पदाधिकारी सुबेलाल पासवान के नेतृत्व में राजद प्रखंड अध्यक्ष पद चुनाव को लेकर बैठक आयोजित की गई। बैठक में सदस्यों ने सर्वसम्मति से चौथी बार लक्ष्मीकांत विश्वास को प्रखंड अध्यक्ष पद पर निर्विरोध चयनित किया। वहीं दूसरी ओर युवा राजद प्रखंड अध्यक्ष चंदन यादव और घनश्याम यादव ने उक्त चयन का घोर विरोध करते हुए उन्होंने कहा कि चुनाव की जानकारी उन्हें नहीं दी गई। चुनाव मनमानी पंचायत अध्यक्ष बना है, मनमानी पंचायत अध्यक्ष बना है, अकेले मनमानी पंचायत अध्यक्ष बना। मुझे क्रियाशील पंचायत अध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल का बहुत मजबूती से मुझे मौका दिया है और राष्ट्रीय जनता दल का जो आज अध्यक्ष पद के लिए मुझे निर्वाचित किया गया, मैं प्राणपुर प्रखंड में सभी समुदाय को जोड़कर संगठन को मजबूत करूंगा और गरीब गुरबे का जो काम है, समस्या है, मैं उसको काफ़ी मजबूती से निर्वहन करूंगा और काम कराऊंगा पदाधिकारी से मिलकर। और मैं चाहता हूं कि आने वाला समय भी हमको सफलता मिले और संगठन का काम बहुत मजबूती से मैं करूंगा। और काफी हंगामे के बीच पितृपक्ष मेला का उद्घाटन किया गया। दरअसल मामला तब बिगड़ा जब उद्घाटन समारोह के पोस्टर में पुनपुन प्रखंड प्रमुख गुड़िया देवी का नाम नहीं दिया गया। गुड़िया देवी ने आयोजक पर आरोप लगाते हुए कहा कि ना तो उद्घाटन समारोह वाले पोस्टर पर मेरा नाम दिया गया है और ना ही मुझे बैठने के लिए कुर्सी की व्यवस्था की गई, जिसके बाद उनके अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हुई और वे अपने समर्थकों के साथ उद्घाटन समारोह में बिना शिरकत किए ही समारोह स्थल से बैरंग वापस लौट गए। हम लोग की इज्जत नहीं है तो हम लोग क्या करने दे दिए? क्या हुआ? हम पुनपुन प्रखंड के मालिक हैं, प्रमुख हैं गुड़िया कुमारी, मेरा नाम तक भी कार्ड में नहीं दिया गया है, बताइए हम यहाँ का क्या? हम लोग इज्जत हमको ले लिए ये लोग, समझे ना? प्रखंड के मालिक को बताइए, हमारे प्रखंड में आते हैं, पुनपुन प्रखंड में गुड़िया देवी प्रमुख हैं, इनको इन्विटेशन कार्ड में नाम नहीं हुआ, इन्हीं के क्षेत्र में आता है। यहाँ बड़े बड़े पदाधिकारी लोग बैठे हुए हैं, बताइए कितना ज्ञानता की कमी है, चाहे ज्ञानता के लिए चलिए बिचौलिया यहाँ का सब लोग है, खाने के लिए रुपया कमा रहे हैं। चलते हैं सर।
और अब बात पुनपुन और परसा बाजार थाना क्षेत्र के सुरक्षा बांध की कर लेते हैं, जहां सुबह में मॉर्निंग वॉक करने आए वृद्ध महिला के साथ अपराधियों ने लूटपाट करने के बाद गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के विरोध में आक्रोशित ग्रामीणों ने पुनपुन सुरक्षा बांध और पुनपुन परसा मार्ग पर आगजनी कर सड़क को जाम कर दिया। सूचना मिलते ही परसा थाने की पुलिस ने घटनास्थल पर पहुंचकर लोगों को समझाकर सड़क को जाम मुक्त कराया और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। सीतामढ़ी में पुलिस वाहन दुर्घटनाग्रस्त हो गई। बताया गया कि पुलिस की 112 डायल नंबर की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त हो गई, जिसमें वाहन में सवार 3 पुलिसकर्मी जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए डुमरा PHC में भर्ती कराया गया है। औरंगाबाद जिला पुलिस ने रात में चोरी की घटना को अंजाम देने वाले चोर गिरोह का खुलासा किया है। प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा ने बताया कि टेंट हाउस और DJ दुकान का शटर काटकर चोरों ने 2 चोरी की घटना को अंजाम दिया था। मामले में DJ मालिकों के द्वारा अपने अपने थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने चोरों को गिरफ्त में लाने के लिए अनुसंधान जारी किया और सफलता हासिल की। 2 अज्ञात चोरी के मामले दर्ज हुए थे। पहला 31 अगस्त को पौथू थाना अंतर्गत पौथू बाजार से दर्ज में हुआ था घटना, और दूसरी घटना 4 सितंबर को रफीगंज में करवा मसूद गांव में हुई थी। तो इसमें दोनों अपराध को हम लोगों ने वैज्ञानिक अनुसंधान किया और उद्भेदन करते हुए 2 अपराधियों को पकड़ा है, उपेंद्र पासवान दाऊदनगर के और रवि कुमार तरारी टोला दाऊदनगर के, और लगभग चोरी के लगभग सारे सामान हम लोगों ने बरामद किया है। रफीगंज से चोरी किया हुआ 8 पीस DJ मशीन, 10 स्पीकर, 5 बंडल तार, 1 जनरेटर और 1 वेल्डिंग मशीन भी बरामद हुआ है, जिससे कि वो लोगों ने काटा था, वो शटर काटा था। औरंगाबाद शहर के धर्मशाला चौक स्थित गणेश मंदिर प्रांगण में आयोजित 9 दिवसीय गणपति उत्सव का नजारा देखने को मिला, जहां गणपति उत्सव के 10वें दिन भव्य शोभा यात्रा के साथ मनमोहक राधा कृष्ण की झांकियां निकाली गईं। इस दौरान घोड़े और गाजे बाजे ढोलक नगाड़े के साथ वृंदावन से आए कलाकारों द्वारा राधा कृष्ण की शानदार झांकियां प्रस्तुत की गई। झांकियों को देखने के लिए पूरे शहर से हजारों लोगों का जनसैलाब भी उमड़ पड़ा था। ये गणेश चतुर्थी होता है ना, उसका भी सर्जन की तरफ से है। दूर से बोलिए। ये गणेश चतुर्थी होता है ना, उसके भी सर्जन की तरफ से है। अच्छा, हाँ, उसी का मतलब कि विसर्जन है, इसीलिए हम लोग लेके निकले हुए हैं। कहाँ से ये निकला है? ये यहाँ अदरी नदी के पास से निकला है। हाँ, और ये कहाँ जा करके विसर्जन होगा? अदरी नदी में। और इसी के साथ अभी के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहे बिहार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।